अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। बाब ख़त्म नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौर रिसालत पे लाखों सलाम। अलगर्ज उनके हर मुँह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खूब व खसलत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम उत्तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। कुतबे अब्दाल व इरशाद व रुश्द व रिशाद, मुहियुद्दीन मिल्लत पे लाखों सलाम। जिनके मिंबर बनी गर्दने अवलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। हम्दुस्सलात के बाद मुक़्तदर उलमाए ज़ी वक़ार, हाज़रीन व सामईन मुकर्रम, अल्लाह का शुक्र है एक मरतबा फिर ज़िंदगी के कुछ लम्हात नूरानी और रूहानी जहतों में दाखिल होकर आखिरत का ख़जाना बन रहे हैं। अल्लाह मुंतज़िमीन को, शहज़ीब भाई को जज़ाए खैर अता फ़रमाया। इनकी ये कोशिशें काविशें काबिल तक़लीद भी हैं, काबिल तहसीन भी हैं। अल्लाह ताला इखलास की दौलत से मज़ीद माला माल फरमाए। जब अल्लाह बंदे पे करम करता है तो उसका दिल दीन की तरफ मोड़ देता। जब बंदे को अल्लाह अपना बनाना चाहता है तो उसकी सोच चेंज करता है, उसका ख़्याल चेंज करता है। हमारे सिलसिला में एक बहुत बड़े शेख हैं, गुजरात शरीफ के कुर्ब में जिंदड़ शरीफ एक जगह है। हज़रत ख्वाजा गौहरुद्दीन साहब जिंदड़ शरीफ वाले, मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह शेखुल कुरान, आपकी बारगाह में कसरत से हाजिर होते। ये हुज़ूर पीर मेहर अली शाह साहब का दौर है और मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब बड़े बड़े उलमा के उस्ताद हैं। हज़रत ख्वाजा साहब उम्मी वली थे और हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ आपकी निस्बत ओवैसी थी और दाता हुज़ूर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ही आपको शेख चौगानी हज़रत तानूख अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ पर भेजा था। तो फिर चूँकि उम्मी वली थे और अल्लाह ने बहुत नवाजा था तो बात ख़याल की और बंदे के जहन के हवाला से मैं आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ कि शेखुल कुरान अला रहमत जब आपके पास हाजिर होते तो आप इरशाद फरमाते, मौलाना आपके ख़याल का क्या हाल है? तो अर्ज़ की कि हुजूर आम तौर पर तो रूटीन रवाज ये है कि तकिया कलाम ये होता है कि बाल बच्चे का क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं, लेकिन ये जो जुमला है बड़ा बामानी आप इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर है इसमें कोई हिकमत होगी कि आपके ख़याल का क्या हाल है। तो फरमाने लगे मौलाना ये ख़याल ही ऐसी शय है कि ख़याल बंदे को आता है तो बंदा नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, नेकी की तरफ जाता है, खुदा ना खास्ता ख़याल ही बंदे को बुराई की तरफ लेके जाता। तो आपने ये जुमला बोला ना, इसके गिर्द आप जब जूं जूं इसके करीब और इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा, नूर पहुँचेगा। जो जुमला आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मौलाना जिसका ख़याल पाक है उसी का हाल पाक, जिसका ख़याल पाक नहीं ना उसका हाल पाक नहीं। हम ये दीनी मजालिस में क्यों आते हैं, कुरान शरीफ का दर्स सुनते हैं, अहलुल्लाह की सोहबत में बैठते हैं, बुनियादी तौर पर बंदे के ख़यालात को पाकीज़ा करना होता है। जब बंदे की सोच का क़िबला दुरुस्त होता है ना तो अमल ऐटोमेटिकली शुरू हो जाता है। बेशक बंदे के ख़याल को दुरुस्त करना ज़रूरी है, बंदे की सोच को दुरुस्त करना ज़रूरी। आप हजरात तशरीफ़ लाए, आपके नूरानी चेहरे हैं, आपके आने के पीछे कोई ख़याल कार फरमा है जो आपको जहाँ तक लेके आया है। उस ख़याल की तैयारी और उस ख़याल की पाकीज़गी के लिए ये कोशिशें होती हैं कि एक ख़याल आ जाए और दूसरा फिर ख़याल पाकीज़ा हो जाए, बस इतना सा ही काम करना है। तसव्वुफ़ सारे का सारा ये है ख़याल का पाकीज़ा करना, हुस्न नियत जिसे कहते हैं। कि आपकी तशरीफ़ आवरी में ये ख़याल था कि वहाँ जाएंगे तो बज़ दफ़ा ताल्लुक़ पेश नज़र होता है, बज़ दफ़ा कोई ऐसी बीच में वजह होती है जिस वजह से हम आते हैं। तो इन सारी वजूहात को ख़त्म करके बंदे और रब के दरमियान कोई शय ना आए और रब की रज़ा का पहलू हो तो समझो बंदे के ख़याल का क़िबला दुरुस्त हो गया। और जब ये दौलत बंदे को नसीब हो जाती है तो फिर बहुत फैज़ान नसीब होता है, बहुत बरक़ात नसीब होती है। और ये वैसे नहीं होता, ये अहलुल्लाह की सोहबत से, ऐसी मजालस में शिरकत से और इन तरीक़ों और इन राहों पर चलने की वजह से आहिस्ता 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 बंदे के ख़यालात को पाकीज़गी और तहारत नसीब होती है। और फिर बंदा जो जो तरक्की करता है उसके पेश नज़र जन्नत भी नहीं रहती, उसके पेश नज़र दोज़ख भी नहीं रहती, सिर्फ सोने यार का मुखड़ा रहता है और रब की रज़ा रहती है और अल्लाह का कुर्ब रहता है। हाँ जी, तो ये जब बंदे को नसीब हो जाए फिर उसके लिए कहा जा सकता है कि ये खुश नसीब है। हाँ जी, अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से आप जब भी किसी से मोहब्बत करें बीच में लालच का अंसर ना हो। लालच की दोस्ती उसमें ये होता है कि जब लालच पूरा हो जाता है तब भी ख़त्म हो जाती है, जब मकसद पूरा ना हो तब भी ख़त्म हो जाती है। हर दोनों हवालों से दोस्ती ख़त्म हो जाती है जिसमें बीच में गर्ज होती है। गर्ज तक दोस्ती बस, लेकिन अगर गर्ज पूरी ना भी हो तो दोस्ती ख़त्म, क्योंकि बुनियाद गर्ज थी। तो जिस बुनियाद पर बिल्डिंग बनती है जब बुनियाद टूटती है तो बिल्डिंग सारी ख़त्म हो जाती। तो इस लिहाज से बंदे मोमिन की जो बुनियाद है उस बुनियाद में अल्लाह पाक की रज़ा है। आप अमल करते हैं, आप प्रोग्राम करते हैं, आप उठते हैं, आप बैठते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बुनियादी तौर पर यह चीज़ होनी चाहिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं बरे सगीर में, हज़रत ख्वाजा तवक्कुल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाह अलैह। आपने बाज़ दफ़ा नाम सुना होगा उलमा से। तो आपका तज़किरा है ज़िक्र खैर, उसमें एक वाक़या लिखा है जो ख्वाजा साहब बयान करते थे। वो क्या करते थे? अब फरमाते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की कि या अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बताया जाए कि ऐसा करूं कि तू कभी नाराज़ ना हो, राज़ी रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पर अर्ज़ की तो फरमाया आप पहाड़ से नीचे उतरेंगे, जो सबसे पहले बंदा मिलेगा तो आप उससे पूछ लीजिएगा। अल्लाह ख़ुद भी फरमा सकता था, लेकिन वसीले की कितनी अज़मत है कि अल्लाह ख़ुद वसीले की तरफ बंदे को मुतवज्जे करता है। तवस्सुल सबब ये अल्लाह का पसंदीदा है, अल्लाह इस चीज़ को पसंद करता है। तो जो चीज़ मालिक को पसंद हो वो गुलामों को भी पसंद होती है। सबब अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह अगर चाहता तो बग़ैर अंबिया के, बग़ैर किसी सबब के मखलूक को हदायत दे सकता। क्या ज़रूरत थी किताबों की? क्या ज़रूरत थी नबुव्वत की, रसालत की? क्या ज़रूरत थी? लेकिन अल्लाह ने असबाब को पसंद फरमाया। उसमें हज़ारहा हिकमतें हैं, लेकिन हम वो ज़ेरे बहस नहीं है कि क्या हिकमतें हैं। लेकिन अल्लाह ने असबाब को पसंद फरमाकर मखलूक और खालिक, अपने और मखलूक के दरमियान वसीला अंबिया का रखा, किताबों का रखा। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि अल्लाह वसीले को पसंद करता है, अल्लाह सबब को पसंद करता है, और सबब इसीलिए पैदा हुए हैं। तो जो मालिक को पसंद है हमें क्यों ना पसंद हो? ये बात तो बड़ी काबिल गौर है। अल्लाह ने फरमाया कि जो बंदा पहले मिले उससे पूछ लीजिएगा। सुभान अल्लाह। अब नीचे उतरे तो जब नीचे उतरे तो देखा कि शैतान इंसानी शक्ल में खड़ा है, इंसानी शक्ल में शैतान खड़ा है। अल्लाह के नबी थे, अल्लाह अकबर। शैतान ने क्या कहा? जनाब कलीमुल्लाह सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। अब मैं यहाँ रुक कर एक बात आपकी बारगाह आलिया में करना चाहता हूँ, बड़े ठंडे दिमाग से। किसी मसलक की तरफ भी बंदे का झुकाव हो सकता है, रुझान हो सकता है, लेकिन बड़े धीमे अंदाज में मैं आपकी बारगाह में ये सवाल रखना चाहूँगा कि है शैतान, लेकिन इल्म कितना है? बंदे मूसा और अल्लाह के दरमियान जो बात हो रही है उस राज का इल्म भी शैतान को दे दिया गया, शैतान को मौजूद है। आपने गौर नहीं फरमाया। अब यहां समझाना मकसूद है कि शैतान तो रब का दुश्मन है, तो जिस रब ने अपने दुश्मन को इतना इल्म दिया है, प्यारों को कितना दिया होगा? बात समझिए या नहीं समझी? अगर हम यही ख्याल अंबिया के मुतल्लिक़ कर लें कि नबी पाक को पता है, तो बंदा बिफर जाए तो बदनसीबी नहीं, और वही ख्याल शैतान के मुतल्लिक़ हो तो बंदा कबूल कर ले कि शैतान को इल्म है। भी शैतान को किसने इल्म दिया है? जी अल्लाह ने। तो जिस अल्लाह ने शैतान को दिया है महबूब को नहीं दे सकता? अपने महबूबों के बारे में अल्लाह ने दरवाजे बंद रखे हैं। और फिर एक और जुमला भी अर्ज करूंगा इशारे के तौर पर, शैतान दुश्मन है और अहलुल्लाह ये सारे के सारे आगे तो दर्जे हैं ना, नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, हाँ जी, ये सारे दर्जे हैं। बेशक नबी, वली, सिद्दीक, शहीद ये जितने हैं सारे अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। लेकिन आगे दोस्ती में दर्जा है कि ये नबुव्वत है, हाँ जी, ये सहाबियत है, ये आगे फिर विलायत। समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो ये दराजात तो हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर अल्लाह के नबी भी अल्लाह के दोस्त हैं, सहाबा भी अल्लाह के दोस्त हैं, और अहलुल्लाह जितने वो अल्लाह के वली हैं, दोस्त हैं। तो दो सिस्टम चल रहे हैं। एक सिस्टम यह है कि अल्लाह ने अपोजिशन पैदा की, और एक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लोग, अपना निज़ाम पैदा किया। या ऐसे समझ लो कि एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है। अपोजिशन में शैतान है, हुकूमत औलिया है। कभी दुनिया में देखा है कि अपोजिशन मजबूत हो, हुकूमत कमजोर हो? हुकूमत हमेशा मजबूत होती है और अपोजिशन कमजोर होती है। जब शैतान अपोजिशन है, उसको रोकने का तसर्रुफ भी दिया गया, ताकत भी दी गई, इल्म भी दिया गया, सब कुछ दिया गया, तो अल्लाह ने अपनों को कुछ नहीं दिया होगा। अल्लाह ने क्या अपनों के लिए दरवाजे बंद रखे हैं? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं हो सकती। समझने में फर्क हो सकता है, बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें, और बार बार इस मामले तक रिसाई के लिए दौड़ लगानी चाहिए कि जो रब दुश्मनों को देता है, प्यारों को कितना देता हो। और मैं एक जुमला अपने बुजुर्गों का आपके सामने रखने लगा हूं, शैतान बीमारी है और अहलुल्लाह उसका इलाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारों को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। जी सवाल कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि उससे पूछिएगा कि कोई ऐसा अमल हो। अच्छा, अल्लाह अल्लाह हो के गैरुल्लाह के पास क्यों भेज रहा है? ये किलादा मौजू है। आप के लिए अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाजिर हैं। शैतान ने एक जुमला कहा, उसने कहा कि मैं आपको अपना तजर्बा बता देता हूं। क्या करता हूं? बोलिए, तजर्बा बता देता हूं। हाँ जी, मौलाना रूम ने लिखा है ना कि शेर ने शिकार किया तो जंगल में लोमड़ी भी थी, साथ थी, और गधा भी था, हाँ जी, तो शेर भी था। तो शिकार कर लिया गया, तो जब शिकार हुआ तो गधे से पूछा गया कि भाई सुनो, शेर ने कहा कि इसकी तकसीम कैसे करें? हाँ जी, तो शिकार क्या था? शिकार एक खरगोश था, एक हिरन थी, और एक कोई और चीज़ थी, तीन शिकार थे। तो गधे से पूछा गया, भाई कैसे तकसीम करें? तो गधे ने कहा कि आप बादशाह सलामत हैं, आप हिरन खा लें, हाँ जी, मैं ये खा लेता हूँ, लोमड़ी ये खा लेगी। शेर को ना गुस्सा चढ़ा, उसने ऐसे झपटा, अभी गुस्सा उसे चढ़ गया तो उसका तो आर पार कर दिया, ख़त्म कर दिया। हाँ भाई लोमड़ी तू बता के कैसा क्या क्या करना चाहिए। उसने कहा बादशाह सलामत हैं, सुबह आप नाश्ते में खरगोश ले लें, दिन को हिरन ले लें, शाम को ये जानवर ले लें, आप बादशाह हैं। हाँ बहुत अच्छी तकसीम की है, ये सीखी किससे है? कहा ये गधे के इंजाम से सीखी। कौन तुम खैरा उम्मत नुखरिजत लिन्नास तअमरून बिलमारूफ, इस उम्मत को आखिर पर भेजने का एक मकसद ये भी था कि चूंकि महबूब की उम्मत है तो पहली उम्मतों का इंजाम देखकर भी ये राह हदायत पे चली जाए। चूंकि महबूब की उम्मत है, महबूब की उम्मत है, आद को देखेगी, समूद को देखेगी, पहली उम्मतों के इंजाम को देखेगी तो देखकर राह हदायत अख्तियार कर लेगी कि हमने वो काम नहीं करने जिनकी वजह से उन्हें सजा हुई थी। तो शैतान ने कहा कि मैं आपको अपना इंजाम बता देता हूँ, आप खुद सबक ले लीजिएगा। शैतान ने क्या जनाब कलीमुल्ला, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मैंने जितना अमल भी किया है दर्जे के लिए किया है, मकाम के लिए किया है, मर्तबे के लिए किया है, अल्लाह के लिए नहीं किया। मर्तबा हासिल करने के लिए मकाम किया और अल्लाह की बारगाह में मैं मरदूद हो गया, तो मैं अगर अल्लाह के लिए करता तो ये मेरा हशर ना होता। मैंने दर्जा हासिल करने के लिए और मकाम हासिल करने के लिए ये काम किया है। ए कलीमुल्लाह, अगर आप अपने रब को राजी रखना चाहते हैं तो आप जो काम भी करें किसी दर्जे के हासिल करने के लिए ना करें, बल्कि रब को राजी करने के लिए। रब रसूल का जो मामला है ये बहुत नूरानी मामला है, सुभान अल्लाह। पर मैं अल्लाह को राजी करने के लिए जब आप कोई अमल करेंगे, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल हमारे जुम्मे नहीं, हमारे जुम्मे चलना है। मुअज्जन को क्यों दर्जा क़यामत के दिन मिलेगा, गर्दन उसकी क्यों ऊंची होगी? नमाजियों की वजह से नहीं होगी। शारहीन हदीस ने लिखा है मुअज्जन की गर्दन ऊंची होगी इसलिए कि उसने पैगाम हक पहुंचाया, पैगाम हक दिया है। अब कितने नमाजी आते हैं ये रिजल्ट है, रिजल्ट हमारे जुम्मे नहीं, हम रिजल्ट के मुकल्लफ नहीं। अंबिया को फरमाया गया कि तुम मुकल्लफ नहीं कि कितने लोग ईमान लाते हैं, तुम्हारे जुम्मे ये ड्यूटी है कि तुम आज़ान देते रहो, तुम लोगों को बुलाते रहो, तुम लोगों को दावत देते रहो, ये तुम्हारे जुम्मे है। रिजल्ट तो हमारे जुम्मे है ही नहीं, हम रिजल्ट को तो मद्देनजर रखते ही नहीं। जो रिजल्ट को मद्देनजर रखता है ना वो जल्दी मायूस हो जाता है, मायूसी उसके गले पड़ जाती है। इसलिए हमारी देखें वो परिंदा जो आग के अंदर कतरे एक डाल रहा था, डाल डाल कर अपनी ड्यूटी कर रहा था। उससे किसी ने पूछा कि तेरे कतरे डालने से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये जो चखा आग है ये बुझ जाएगी? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? उसने कहा भाई पागल हो गए हो, मेरे जुम्मे ड्यूटी है, रिजल्ट नहीं है। मैं कतरे इसलिए डाल रहा हूं, मुझे भी पता है कि रिजल्ट नहीं इसका आएगा, लेकिन मैं इसलिए डाल रहा हूं कि क़यामत के दिन बुझाने वालों में मेरा नाम आ जाए। मैं और आप आज रसूलुल्लाह के दीन के लिए हम मुबल्लिग बने, हम कोशिश करें, हम उम्मत को जहन्नुम से बचाने के लिए